आज एक बार फिर भिवंडी डीसीपी ऑफिस के सामने हुआ व्यक्तिक आंदोलन, जहां एक शख्स ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर एक्स बीजेपी स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा और मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की है। भिवंडी पुलिस ने एक्स बीजेपी लीडर नवीन जिंदल को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिस पर जिंदल ने पुलिस को ईमेल के जरिए कहा कि तबीयत खराबी की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सकते और पुलिस से पूछताछ में पूछे जाने वाले सवालों को ईमेल के जरिए पूछने को कहा है। कुछ दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। ये एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चोरी की वारदात कैद हो गई है। ये वीडियो भिवंडी शहर का ही बताया जा रहा है और इस फुटेज के जरिए सभी लूम मालिकों को अवेयर किया गया है कि इस तरह की चोरी से सावधान रहे। गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से एक महिला ने गवाई आंख की रोशनी। मामला मुंबई शहर का है, जहां एक महिला मोतियाबिंद के इलाज के लिए कोपर हॉस्पिटल गई थी, लेकिन महिला की बेटे ने ये इल्जाम लगाया है कि ट्रेनी डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से और गलत दवाओं के असर की वजह से महिला की आंख की रोशनी चली गई है। जुहू पुलिस स्टेशन में सारे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है और इंजेक्शन वगैरह के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी गई है। भिवंडी के धामनकर नाका स्कॉलर्स स्कूल के पास का ये वीडियो हमारे एक फॉलोअर ने हमें सेंड किया है। इस वीडियो में एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है। एम्बुलेंस का सायरन लगातार बज रहा था, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक उसी तरह जमी रही। अगर इस तरह किसी मरीज के साथ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। 14 जून को थाने पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ महाराष्ट्र की 70 और पूरे देश में 500 वेबसाइट्स हैक कर ली गई थी, जिनमें से कई वेबसाइट्स की रिकवरी की जा चुकी है और बाकियों की रिकवरी का काम चल रहा है। इस साइबर हमले में मलेशिया और इंडोनेशिया के हैकर्स का नाम सामने आ रहा है। भिवंडी के खारे गांव टोल नाके के पास आज फिर मोटरसाइकिल सवार चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। खबर के मुताबिक भिवंडी से कोपर खैरनी जा रही महिला से मोटरसाइकिल पर सवार दो चोरों ने मंगलसूत्र छीन लिया, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। नारपोली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मॉनसून शुरू होने से पहले ही बीएनसीएमसी ने झोपड़ पट्टी वासियों से झाड़ा अपना पल्ला। बता दें कि बीएनसीएमसी ने नेहरू नगर, नवी बस्ती, रहमतपुरा, न्यू आजाद नगर जैसे पहाड़ के उतार पर रहने वालों को नोटिस दिया है कि जो घर गिरने की कगार पर है उसे खाली करने, वरना मॉनसून के दौरान अगर कोई हादसा होगा तो नागरिक ही जिम्मेदार होगी। भिवंडी मनसे कामगार संगठन के अध्यक्ष संतोष सलवी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भिवंडी कॉरपोरेशन के सामने किया आंदोलन। आपको बता दें कि कामगारों की मांगों को प्रशासन ने अब तक पेंडिंग में रखा हुआ है। कई आंदोलन के बाद भी कामगारों की समस्या हल नहीं हुई है। क्रिकेट खेलने में हुई बच्चों की लड़ाई में बड़ों के फूटे सर। भिवंडी के हंडी कंपाउंड में यह हादसा हुआ है और दोनों परिवारों के कुल 4 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मी लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों ही परिवारों के खिलाफ भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।